नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, देखिए श्रावस्ती से हमारे संवाददाता पंकज कुमार तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मामला जनपद श्रावस्ती के चौकी लक्ष्मणपुर बाजार के अंतर्गत ग्राम परसिया राजा में पूजा देवी के घर में गैस सिलेंडर लीकेज होने से घर में अचानक आग लग गई। आग लगते देख ग्रामीण दौड़ पड़े। ग्रामीण व फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर में रखा नकदी समेत गृहस्थी का सामान जल कर राख हुआ। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सरबजीत वर्मा ने हर संभव मदद करने की बात कही है। नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? राजा परसिया। क्या घटना हुई है? गैस बिटिया हमारा गैस जलाई बस को क्लिच कर रहा बस तुरंत चूल्हा बारिश बतुरंत बाटलियाँ पकड़ी बाल्टी बाटली बरे लग बस सब पूरा सब जरे लग भर 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 रुपया पैसा रहा और सब बर्तन वर्तन ना कपड़ लत्ता रहा तो सब जरी गवा है पैसा जरी गवा। कितना पैसा था? 10,000 रुपया रहा। 10,000 रुपया। हाँ अभी भाई हमारे दीदी से कार लेके यहाँ पूछे हमारे भाई अभी खड़ा है। और क्या क्या नुकसान हुआ है? बस और कुछ नहीं बस खाली कचरी बिछौना जर गवा कपाल लगता पैसा जर गवा है। और क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? राजा प्रसन्न सरबजीत वर्मा बोल रहा हूँ। क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पर सिलेंडर में आग लग गई। हम सूचना मिली, हम लोग मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाया गया और पुलिस प्रशासन भी आया। गाँव के तमाम लोगों ने आग पर काबू में किया। पंचायत चुनाव को लेकर गौरीगंज ब्लॉक का निरीक्षण करते डीएम अरुण कुमार। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। अमेठी 8 अप्रैल 2021 जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने आज विकास खंड गौरीगंज में ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बकायेदारों की सूची कार्यालय के बाहर चस्पा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बकायेदारों से ही बकाया धनराशि जमा कराने के उपरांत एनओसी जारी करें, इसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी एनओसी जारी करने की आवश्यकता नहीं है। विकासखंड गौरीगंज में अब तक ग्राम पंचायत सदस्य के 269, ग्राम प्रधान के 397 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के 229 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। जिलाधिकारी ने प्रतिदिन नामांकन पत्रों की बिक्री के उपरांत धनराशि को कोषागार में जमा कराने के निर्देश। इस दौरान अपर पुलिस जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एसपी सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुधीर रुंगटा सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। थाना शिवरतनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। खबर यूपी के अमेठी से है जहां पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शिवरतनगंज पुलिस को 25,000 का इनामी व गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अभियुक्त की तलाशी में 1 अदद अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर मिला है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफल बनाने के लिए पुलिस अवैध शस्त्र व अवैध शराब के विरुद्ध अभियान को लगातार चलाते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की कवायद में जुटी है। उप निरीक्षक तरुष कुमार पाल व चौकी प्रभारी इन्होना मय हमरा द्वारा क्षेत्र में चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नीरज पासी पुत्र माताफेर निवासी पूरे ठकुराइन कोलवा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी को अंगुरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। अब अभियुक्त नीरज पासी 25,000 का इनामी शातिर बदमाश है व एक गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित है। थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर परतोष पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप मिश्रा ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। बिना मास्क चल रहे लोगों को किया जागरूक, चौकी प्रभारी प्रदीप मिश्रा ने बिना मास्क के चल रहे वाहन चालकों को दी सख्त हिदायत। बिना मास्क में चल रहे दो पहिया वाहन चालकों को हिदायत के साथ ही 100 का ठोका जुर्माना। चौकी प्रभारी प्रदीप मिश्रा ने लोगों से की अपील, कोरोना से बचने के लिए करें मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें, हाथों को करें सैनिटाइज तथा 45 उम्र के ऊपर के लोग लगवाएं कोरोना वैक्सीन का टीका। इस मौके पर कांस्टेबल प्रदीप कुमार, अब्दुल अजीज, मित्र सेन वर्मा भी मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। नाइट कर्फ्यू की पहली रात आशियाना पुलिस की खुली पोल, लोकबंधु चौराहे के पास ढाबे के अंदर से मोबाइल चोरी। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद, सुबह 4 बजे के आसपास मोबाइल चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। एक तरफ राजधानी में नाइट कर्फ्यू, दूसरी तरफ चोर एक्टिव। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।